नमस्कार, आज हम बात करेंगे बाल गोविंद भगत की, जो एक ऐसे सन्यासी हैं जिन्हें ये बड़े आडंबरों से मुक्त होते हुए भी दुनिया में रहते हैं। और इस पाठ को लिखा है राम वृक्ष प्रेणीपुरी जी ने, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेखक क्या कहते हैं कि बाल गोविंद भक्त सन्यासी होने के बावजूद भी उनका मानवीय जीवन के साथ अत्यंत प्रेम था। वे वर्ण व्यवस्था यानी रंग भेद की नीति को नहीं मानते थे और सामाजिक कुरीतियों के विरोधी थे। इस रेखाचित्र के माध्यम से ग्रामीण जीवन की झलक भी देखने को मिलेगी। लेखक बचपन में स्वयं को पक्का ब्राह्मण मानता था। वह ब्राह्मण की पहचान कराने वाली सभी क्रियाएं करता था और इस बात पर उसका अटल विश्वास था कि ब्रह्म का ज्ञाता केवल ब्राह्मण होता है। एक तेली के आगे लेखक का गर्व से ऊंचा सिर स्वयं ही झुक जाता था, क्योंकि बाल गोविंद भगत जो थे वो एक तेली थे। हमारे समाज में उस समय तेली का यात्रा के समय अगर मिल जाता था तेली, तो उसे अशुभ मानते थे। शकुन अपशकुन जो है उनको ज़्यादा माना जाता था। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मध्यम कद के व्यक्ति थे, यानी जिनकी हाइट जो थी ना ज़्यादा कम थी ना ज़्यादा अधिक थी। और वे कमर में एक लंगोटी और कबीर पंथियों वाली टोपी पहनते थे। सर्दियों में काली कंबली ओढ़ते थे। मस्तिष्क पर उनके रामानंदी चंदन का टीका तथा गले में तुलसी की जड़ों की माला होती थी। वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे। उनका बेटा और बहू थे। वे खेती बाड़ी का काम भी करते थे। बाल गोविंद गृहस्थ होते हुए भी साधु थे और कबीर को बहुत ज़्यादा मानते थे। कबीर के गीतों को वो हमेशा गाते रहते थे और कबीर को साहब मानते थे। उनकी मान्यताओं के अनुसार कभी झूठ नहीं बोलते, ना किसी दूसरे की चीज़ों को हाथ लगाते और ना ही बिना पूछे उन किसी और की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। उनकी हर चीज़ पर साहब का अधिकार था, यानी कबीर जी का अधिकार था। और वे अपने खेत की पैदावार को सिर पर रखकर कबीर के मठ में ले जाते, उस पैदावार को वहाँ चढ़ा देते और प्रसाद के रूप में खुद जो मिलता वह खा लेते या ग्रहण करके गुजारा करते थे। यानी कि वो अपनी खुद की पैदा की हुई फसल का भी खुद प्रयोग नहीं करते थे। वो बहुत अच्छा गाना गाते थे। उनका गायन सदा ही सबको अच्छा लगता था। आषाढ़ का महीना आते ही खेतों में धान की रुपाई शुरू हो जाती थी। पूरा गांव, जिसमें आदमी औरतें बच्चे सभी खेतों में दिखाई देते थे। और जब वो खेत में रोपाई यानी फसल उगाते, तो उस समय हर किसी के कान में गाने का जो स्वर आता था वो होता था बाल गोविंद भगत का। यही कारण था कि वो खुद खेत में रोपाई करते और साथ ही गाना भी गाते। उनके कंठ से निकला हुआ एक एक शब्द ऐसा लगता था कि जैसे वो स्वर्ग में जा रहे हैं। कुछ पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में उनके शब्द जाते। उनके संगीत से सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। सभी लोग उनके साथ काम करने लगते थे, उनके गाने के साथ ताल से ताल मिला करके काम करने लगते थे। वे भादों की अंधेरी रात में पिया के प्यार के गीत गाते थे। उनके अनुसार पिया साथ होते हुए प्रियतमा अपने को अकेली समझती है, इसलिए बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सारा संसार सो रहा होता तो बाल गोविंद गाना गा रहे होते, यानी उनका संगीत जाग रहा होता। बाल गोविंद कार्तिक से फागुन तक प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती यानी सुबह सवेरे उठकर गाया जाने वाला एक गाना। वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी का स्नान करके आते थे।
वापस आते समय तालाब के पास बैठकर गीत गाने लग जाते थे। लेखक को देर तक सोने की आदत थी, लेकिन एक दिन वो जल्दी उठ गए थे। माघ के दिन थे। लेखक को बाल गोविंद का संगीत गांव के बाहर पोखर पर ले गया, यानी जहां तालाब पर बाल गोविंद गाना गा रहे थे वहां लेखक पहुंच गए और वो अपने संगीत में मग्न थे। उनके माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन लेखक जो था उसे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि माघ में बहुत ठंड होती है। गर्मियों में उमस भरी शाम को वो गीतों को शीतल कर देते थे। उनके गीत लोगों के मन में और तन पर हावी हो जाते थे, यानी जो एक बार उनको सुन लेता था उसे भूलता नहीं था और वे भी बाल गोविंद की तरह साथ में नाचने लगते। और इस तरह उनके घर का आंगन संगीत से भर जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम सीमा थी कि जिस दिन उनका बेटा मर गया उस दिन भी वह गाना गा रहे थे। उनका बेटा दिमागी तौर पर सुस्त था। उनके बेटे की बहू बहुत सुघड़ और सुशील थी। उसने सारा काम संभाल रखा था। उसने बाल गोविंद भगत को दुनियादारी से काफ़ी सीमा तक मुक्त कर दिया था। जिस दिन उनका लड़का मरा तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। बाल गोविंद को देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि वो अब भी गाना गा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को आंगन की चारपाई पर लिटा रखा था, उस पर सफ़ेद कपड़ा रखा था, कुछ फूल और तुलसी के पत्ते भी उसने रखे हुए थे और साथ में खुद आसन बिछा करके गाना गा रहे थे। पास के कमरे में उनकी पुत्रवधू बैठकर रो रही थी। वे उसे चुप कराते और कहते कि उसे रोना नहीं चाहिए, यह समय तो उत्सव मनाने का है। उनके बेटे की आत्मा परमात्मा में मिल गई है, यानी प्रेतमा का अपने प्यासे मिलन हो गया है। यहाँ आत्मा को वह प्रेसी और भगवान को पिया का रूप देते हैं, यह तो आनंद की बात है। लेखक को लग रहा था कि बाल गोविंद पागल हो गए हैं। उन्होंने अपने बेटे के सारे क्रियाक्रम अपनी बेटे की बहू से करवाए। श्राद्ध की अवधि जैसे ही पूरी हुई, यानी 12 दिन बाद उन्होंने अपनी बहू को वापस उसके घर भेज दिया कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए। बहू ने उनकी यह बात मानने से मना कर दिया। वह उनकी सेवा करना चाहती थी और उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि बुढ़ापे में उनका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत अपने कारण अपनी बहू का जीवन खराब करना नहीं जानते थे और वे जवानी में संन्यास लेने के विरोध में थे, इसलिए उन्होंने उसे घर छोड़ने की धमकी दी। यदि वह पिता के घर नहीं गई तो वे घर छोड़ करके चले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर बहू अपने घर चली गई। बाल गोविंद भगत के स्वभाव के अनुसार ही उनको मौत भी मिली। वे प्रतिवर्ष पैदल चलकर गंगा के स्नान के लिए जाते थे और गंगा स्नान के बहाने संतों से मिलते थे। गंगा उनके गांव से 30 कोस दूर थी। वे घर से ही खा पी कर चलते और लौट कर ही घर पर आकर खाना खाते थे। रास्ते भर वे गाते बजाते। उनको आने जाने में 4 दिन लग जाते। अब वे बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका लंबा उपवास और गायन लगातार चलता रहता था और वे गंगा स्नान से लौट कर आए तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि भूखे थे और लंबे टाइम तक चले हुए थे। लेकिन उन्होंने अपने बुखार में भी नियम नहीं छोड़े। लोगों ने उन्हें सब कुछ छोड़कर आराम करने की सलाह दी तो वे हंसकर टाल देते थे। सुबह उनके कोई स्वर दिखाई नहीं दिया क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा में मिल गई थी।